हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं कलाकंद की रेसिपी। और इस कलाकंद को बनाने के लिए ना तो हम दूध को फाड़ेंगे और ना ही हम इसमें पनीर का यूज़ करेंगे। इंस्टेंट ये कलाकंद की मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही आपको अगर हमारी ये इंस्टेंट कलाकंद की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए इंस्टेंट कलाकंद बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने में हम ना दूध को फाड़ेंगे और ना ही हम पनीर का यूज़ करेंगे, तो फिर ये रेसिपी बनेगी कैसे, तो चलिए हम बताते हैं। इंस्टेंट कलाकंद बनाने के लिए हमने यहाँ पर फटा हुआ दूध लिया है, हमने दूध को फाड़ा नहीं है, अधिक गर्मी पड़ने की वजह से ये दूध फट गया है। तो मैंने सोचा इस फटे हुए दूध से क्यों ना कलाकंद बनाया जाए, जो जल्दी भी बन जाएगा और टेस्टी भी होगा। दूध को बॉयल करते समय जैसे ही दूध फट गया, उसी समय हमने तुरंत इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर दिया ताकि इस दूध का कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और जो फटा हुआ दूध है वो हार्ड ना हो पाए। और अब हम इस फटे हुए दूध को स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे। फटे हुए दूध को छानने के बाद जो बचा हुआ छेना है स्ट्रेनर में, इसे हम दो तीन पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। छेना को अच्छे से वॉश करने के बाद हमने इसे एक बोल में रख दिया है। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में हम ऐड करेंगे बॉयल्ड 2 कप दूध। दूध ऐड करने के बाद अब हम इस दूध को गाढ़ा करेंगे, तो गाढ़ा करने में हमें समय लगेगा, तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने से दूध को हमें अधिक देर तक पकाना नहीं पड़ेगा, साथ ही इसमें खोए वाला फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा। मिल्क पाउडर को अच्छे से दूध में मिक्स करने के बाद अब हम इस दूध में ऐड करेंगे फटे हुए दूध का छेना। छेना ऐड करने के बाद छेना को हम दूध में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। छेना को दूध में मिक्स करने के बाद अब हम इसे पकाएंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये मिश्रण थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। इसे थिक होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट में ही ये थिक हो जाता है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। हम आप लोगों से माफी चाहते हैं, चीनी ऐड करते समय वाली क्लिप नहीं बन पाई क्योंकि मोबाइल काफी हीट हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया। चीनी ऐड करने के बाद हमें इसे फिर से पकाना है और तब तक पकाना है जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि ये मिश्रण थोड़ा थोड़ा थिक होने लगा है, साथ ही कढ़ाई के साइड में जो दूध की मलाई लग जाएगी उसे भी हम स्पैटुला से हटाते हुए दूध में मलाई को मिक्स करते जाएंगे। अगर आप मेरे बताए हुए मेथड के अनुसार फटे हुए दूध से कलाकंद बनाएंगे तो कोई ये बता ही नहीं सकता कि ये कलाकंद आपने फटे हुए दूध से बनाया है। और आप देख सकते हैं कलाकंद वाला ये मिश्रण काफी थिक हो गया है। अगर आपको लूज वाला कलाकंद खाना है, बर्फी के पीस वाला नहीं खाना है, तो आप इसी स्टेज पर गैस को ऑफ कर दीजिए और इसमें थोड़ी सी ऊपर से क्रश की हुई हरी इलायची ऐड कर दीजिए, तो लूज वाला कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लूज वाला कलाकंद भी बनाते हैं। तो इसके लिए हम इस मिश्रण से थोड़ा सा कलाकंद एक बोल में निकाल कर रख लेंगे। हमने यहाँ पर पेपर वाली कटोरी का यूज किया है ताकि ये कलाकंद देखने में बिल्कुल मार्केट जैसा लगे। लूज वाला कलाकंद बनाने के बाद अब हम इस मिश्रण को 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि ये मिश्रण थोड़ा सा और थिक हो जाए। अगर हमें बर्फी वाला कलाकंद बनाना है तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये मिश्रण बाइंड होने लगे। और ये देखिए कलाकंद वाला मिश्रण अच्छे से बाइंड होने लगा है, काफी थिक हो गया है। तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे इसे और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए क्रश की हुई हरी इलायची। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कलाकंद में इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इलायची पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। क्रश की हुई हरी इलायची को मिक्स करने के बाद अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस कलाकंद वाले मिश्रण को उस बर्तन में निकाल लेंगे जिस बर्तन में हमें इसे सेट करना है। तो हमने यहाँ पर एक केक टिन लिया है जिसे हमने फॉइल से कवर कर दिया है। अगर आपके पास फॉइल नहीं है तो आप इसकी जगह पर केक टिन में या जिस बर्तन में आप बर्फी बनाना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा घी लगा दीजिए। और अब हम ये कलाकंद वाला सारा मिश्रण इस केक टिन में डाल देंगे। मिश्रण को बर्तन में डालने के बाद अब हम इसे स्पैटुला से दबाते हुए अच्छे से सेट कर देंगे और आप देख सकते हैं कि मिश्रण कितना जूसी बना हुआ है।
मिश्रण को बर्तन में अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसमें ऊपर से इसे गार्निश करेंगे थोड़ी सी क्रश की हुई हरी इलायची से, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। हमने यहाँ पर बादाम का यूज़ किया है, आप बादाम की जगह पर कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट से कलाकंद को गार्निश करने के बाद अब हम इसे रख देंगे सेट होने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे। अरे रुकिए, अभी जाइए नहीं, अभी हमने जो लूज वाला कलाकंद निकाला है उसे भी तो हम गार्निश करेंगे। तो इस कलाकंद को भी हम गार्निश करेंगे क्रश की हुई हरी इलायची और चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट से। और ये लूज वाला कलाकंद बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, या आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और उसके बाद सर्व कीजिए। चलिए, लूज वाले कलाकंद को हम फ्रिज में रख देते हैं और बर्फी वाले कलाकंद को हम 7 से 8 घंटे छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। ये देखिए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, कलाकंद भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कलाकंद को पहले अच्छे से सेट हो जाने दीजिएगा तभी कट कीजिएगा, अगर कलाकंद अच्छे से सेट नहीं होगा तो वो बिखर जाएगा। कलाकंद को हमने बर्फी के पीस में कट कर लिया है, चलिए हम आपको इसे निकाल कर भी दिखा देते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कलाकंद बनकर तैयार हुआ है, और ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कलाकंद बर्फी बनकर तैयार हुई है। इस कलाकंद बर्फी को देखकर कोई ये बता ही नहीं सकता कि इसे आपने फटे हुए दूध से बनाया है, और टेस्ट तो पूछिए ही मत, मार्केट वाला कलाकंद भी इसके आगे फेल है। वो क्यों? क्योंकि इसे आपने फटे हुए दूध से बनाया है। आपको कोई डाउट ना हो इसीलिए हम इस कलाकंद बर्फी को बिल्कुल जूम करके आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी जूसी ये कलाकंद बर्फी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल परफेक्ट बर्फी। तो अगर कभी आपके घर में दूध फट जाए, मैं ये नहीं कहती हूँ दूध को फाड़ कर बनाइए, कभी दूध फट जाए तो इस बर्फी को जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही अगर आपको जानना है कि दूध से कलाकंद कैसे बनाया जाता है तो उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करने में, कमेंट करने में और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाने के लिए।